हाईजैक हुए जहाज पर पहुंचे भारतीय नेवी के कमांडोज। अरब सागर में सोमालिया के तट के पास माल्टा के झंडे वाले एक जहाज को समुद्री डाकुओं ने अगवा कर लिया। नौसेना का एक युद्धपोत इंस चेन्नई उस इलाके में मौजूद है। भारतीय युद्धपोत अगवा किए गए जहाज तक पहुंच गया। ऐसा पहली बार नहीं है कि सोमालिया तट के पास में किसी जहाज को अगवा किया गया है, पहले भी ऐसी खबरें आती रही है। सोमालिया के समुद्री डाकुओं का हिंद महासागर में काफी आतंकी हुआ करता था। हालांकि वे जहाज से कोई सामान चोरी नहीं करते थे, लेकिन उनका मकसद व्यापारी जहाजों को अगवा कर उन्हें छोड़ने के बदले कंपनियों से बड़ी रकम वसूल करना होता है। गौतम अदाणी बने भारत के सबसे अमीर शख्स, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। गौतम अदाणी की नेटवर्थ में जबरदस्त इजाफा होने की वजह से दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में भी उनकी रैंकिंग बेहतर हुई है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में अब गौतम अदाणी 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन और दिग्गज कारोबारी गौतम अदाणी एक बार फिर देश के भारत के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार बीते दो दिन में गौतम अदाणी की नेटवर्थ में 7.67 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इसकी बदौलत उनकी कुल नेटवर्थ शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे तक 97.6 बिलियन डॉलर हो चुकी है। उन्होंने इस लिस्ट में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजीशन हासिल किया है। मुकेश अंबानी अब भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल नेटवर्थ 97 बिलियन डॉलर है। हरियाणा कांग्रेस विधायक और INLD के पूर्व MLA के घर एड का छापा, 5 करोड़ नकद और विदेशी हथियार बरामद। धन शोधन का ये मामला हरियाणा पुलिस द्वारा पिछले दिनों यमुनानगर और आसपास के जिलों में हुए कथित अवैध खनन की जांच के लिए दर्ज की गई। हरियाणा पुलिस की कई प्राथमिकियों से सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय एड ने इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी के दौरान विदेश निर्मित हथियार, लगभग 300 कारतूस, 5 करोड़ रुपए नकद और 100 से अधिक शराब की बोतलें बरामद की हैं। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने हरियाणा के यमुना नगर जिले में कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गुरुवार को पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पंवार के खिलाफ छापेमारी शुरू की थी। दिलबाग सिंह यमुनानगर से इनेलो के विधायक रह चुके हैं।